प्रदेश सरकार ने 15 अप्रैल को सरसों की खरीद शुरू करने के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर आज इंद्री की अनाज मंडी में सरसों की खरीद शुरू हो गई है। हालांकि आज केवल कुछ ही किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंचे हैं। वहीं किसानों द्वारा ऑनलाइन मंडी अलॉट किए जाने को लेकर रोष भी है, क्योंकि कुछ किसानों को 30-40 किलोमीटर दूर से आकर इंद्री की अनाज मंडी में अपनी फसल को बेचने के लिए लाना पड़ रहा है। करनाल के निकटवर्ती गांव चिड़ाव से आए किसान गुरदयाल ने कहा कि वो लगभग 40 किलोमीटर दूर से इंद्री में अपनी सरसों को बेचने के लिए आया है, क्योंकि उसको मोबाइल पर इंद्री मंडी में सरसों बेचने की सूचना मिली थी। उसने बताया कि वो सुबह से मंडी में आया हुआ है और काफी समय बाद गेट पास मिलने व आरती का चयन करने के बाद ही उसकी फसल को साफ किया जा रहा है। गुरदयाल ने बताया कि यह किसानों के लिए बड़ी दिक्कत की बात है कि उन्हें इतनी दूर अपनी फसल को बेचने के लिए आना पड़ रहा है। मार्केट कमेटी सचिव हकीकत राय ने बताया कि सरसों की खरीद के लिए जिले में केवल 2 ही सेंटर बनाए गए हैं, जो कि घरोंडा व इंद्री में है। इन 2 सेंटरों में ही जिले के किसानों को मंडियां अलॉट की गई हैं। यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की गई है। सचिव ने बताया कि एक दिन में केवल 50 किसान ही अपनी फसल लेकर आ सकते हैं। सरसों खरीद के लिए यहाँ 15 तारीख से सरसों खरीद सरकार की तरफ से शुरू होनी थी। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन उसको खरीद करेगी और ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू पर डे फर्स्ट हाफ में 25 फार्मर और सेकंड हाफ में 25 फार्मर को सभी को मोबाइल पे मैसेज जा चुके हैं। उसके साथ साथ एक दिन पहले उनको फ़ोन कॉल भी करवा दी गई है। फ़ोन कॉल करवाने के बाद जब फार्मर अपने शेड्यूल के अनुसार गेट पे आता है, उसको गेट पास कटवा दिया जाता है। गेट पे सैनिटाइज़र रखा हुआ है और आपको मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं। उसके बाद हमारा मंडी में आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और सभी आढ़तियों के और सभी जमींदारों के आप ये आई कार्ड इशू किए गए हैं, तो किसी भी अनऑथराइज को मतलब मंडी में इंटर करने नहीं दिया जा रहा, ताकि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन हो सके। तो कहाँ कहाँ के किसान इस मंडी में सरसों लेके आएंगे? करनाल जिले में घरोंडा और इंद्री 2 स्टेशन बनाए गए हैं सरसों खरीद के लिए। तो घरोंडा में असंध, करनाल और घरोंडा ब्लॉक के जमींदार जा सकते हैं और बाकी जिले के इंद्री ब्लॉक में इंद्री मंडी में ले सकते हैं। तो काफ़ी दूर भी हैं कुछ लोग, क्या मतलब जैसे चढ़ाव से आ रहे हैं 40 किलोमीटर करीब उसको पड़ता है यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ करनाल जिले में ज़्यादा सरसों नहीं होती है हमारे यहाँ, इस वजह से मतलब कम स्टेशन है। बाकी जिन एरिया में ज़्यादा सरसों होती है वहाँ एक जिले में कई जगह भी स्टेशन बनाए हुए हैं। सरसों खरीद के लिए यहाँ 15 तारीख से सरसों खरीद सरकार की तरफ से शुरू होनी थी। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन उसको खरीद करेगी और ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू पर डे फर्स्ट हाफ में 25 फार्मर और सेकंड हाफ में 25 फार्मर को सभी को मोबाइल पे मैसेज जा चुके हैं। उसके साथ साथ एक दिन पहले उनको फ़ोन कॉल भी करवा दी गई है। फ़ोन कॉल करवाने के बाद जब फार्मर अपने शेड्यूल के अनुसार गेट पे आता है, उसको गेट पास कटवा दिया जाता है। गेट पे सैनिटाइज़र रखा हुआ है और आपको मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं। उसके बाद हमारा मंडी में आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और सभी आढ़तियों के और सभी जमींदारों के आप ये आई कार्ड इशू किए गए हैं, तो किसी भी अनऑथराइज को मतलब मंडी में इंटर करने नहीं दिया जा रहा, ताकि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन हो सके। तो कहाँ कहाँ के किसान इस मंडी में सरसों लेके आएंगे? करनाल जिले में घरोंडा और इंद्री 2 स्टेशन बनाए गए हैं सरसों खरीद के लिए। तो घरोंडा में असंध, करनाल और घरोंडा ब्लॉक के जमींदार जा सकते हैं और बाकी जिले के इंद्री ब्लॉक में इंद्री मंडी में ले सकते हैं। तो काफ़ी दूर भी हैं कुछ लोग, क्या मतलब जैसे चढ़ाव से आ रहे हैं 40 किलोमीटर करीब उसको पड़ता है यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ
करनाल जिले में ज़्यादा सरसों नहीं होती है हमारे यहाँ, इस वजह से मतलब कम स्टेशन है। बाकी जिन जिन एरिया में ज़्यादा सरसों होती है वहाँ एक जिले में कई जगह भी स्टेशन बनाए हुए हैं। आज मैं गांव चढ़ाव से करनाल से आया यहाँ 40 किलोमीटर दूर। इससे पहले गरुंडे में हमारा सेंटर था पिछले साल, और यहाँ बहुत दिक्कत आई मेरे को। यहाँ लेके आए हो आप? सरसों लेके आए यहाँ, और उसे यहाँ कोई ऐड नहीं पाया हमारा नंबर कंप्यूटर में। 2-3 घंटे यहाँ बैठे रहे हम, बड़ी मशक्कतें के बाद बड़ी दिक्कत आई हमने यहाँ आने के बाद। तो हर साल कहाँ लेके जाते थे? पहले गरुंडा ले जाते थे जी। तो अब की बार क्यों नहीं दिया गरुंडा? क्या था पता नहीं क्या, मेरे मैसेज आया रात, फिर फ़ोन भी आया रात, अब यहाँ ले जो इंद्री नई अनाज मंडी में। तो फ़ोन किया मैंने उनसे, वो उन्हें फ़ोन ही नहीं उठाया जिसने रात मेरे को फ़ोन किया था। फिर यहाँ कमेटी में जाके उन्हें चंडीगढ़ फ़ोन कराया, 2 घंटे लग गए, 2 घंटे बैठ रहे, परेशान रहे हम यहाँ, तब जाके गेट पास मिला है। परेशानी है जी, देखो वहाँ तो 16 किलोमीटर पड़े था हमें, यहाँ 40 किलोमीटर दूर आना पड़ा, परेशानी तो हुई जी। तो और किसानों को भी इस तरह की परेशानी है? हाँ जी, जो अगर वहाँ से आओगे तो परेशानी तो होगी सबको, इतनी दूर आएंगे तो गरुंडा होना चाहिए सेंटर हमारा। खरीद को लेकर के सरकार की तरफ से जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के पीली पट्टी का इंतजाम किया गया, और गेट पे मास्क और सैनिटाइजर का भी रखा गया, उसका भी उपलब्ध कराया जा रहा है किसानों को। और इसके साथ साथ सरसों अभी केवल मात्र 3-4 डेयरी आज इंद्रिय अनाज मंडी में आई है, और जिनकी साफ़ सफाई हो रही, उसके बाद अभी इनका मॉक्सर चेक होने के बाद इसकी परचेज स्टार्ट की जाएगी हरियाणा वेयरहाउस द्वारा। तो इसका मापदंड मॉक्सर 8% तक होना चाहिए, जो मॉक्सर पास होगी वो डेयरी लिखी जाएगी, जो नमी होगी वो कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.